हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि अभी कोविड के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, कोचिंग क्लासेस सभी बंद चल रही हैं, ऑनलाइन ही क्लासेस बस उपलब्ध हो पा रही हैं, तो आपका एंट्रेंस भी नज़दीक आता जा रहा है, आपका जल्द ही एंट्रेंस हो जाएगा। तो इसी के दौरान देखते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण BHU एंट्रेंस के एग्ज़ाम पेपर 2011 के हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके आंसर सहित हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको PDF भी मिल जाएगी, और बाकी जिन लोगों को कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमें WhatsApp या Telegram से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक सिंचित इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो जैसा कि पहला आंसर दिया है राजस्थान, और दूसरा आंसर दिया है पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा तमिलनाडु। तो जैसा कि पंजाब आपका सर्वाधिक सिंचित राज्य है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली में कितने प्रतिशत, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, मूंगफली के दाने में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, इस चारों ऑप्शन में आपको ढूंढने होंगे। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया है 20%, 30%, 45% और 60%। तो 20% आपका मूंगफली के तेल में पाया जाता है। तो जैसा कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम है एरेचिस हाइपोजिया, इसका सबसे ज़्यादा उत्पत्ति स्थान ही पूछता है, जिसका उत्पत्ति स्थान है ब्राजील। इसका उत्पत्ति स्थान है आपका ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनिरिडा एवं आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी मानी जाती है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपका पेरिपेटस, आर्कियोप्टेरिक, जूलस, पॉलीगार्डियस। तो इसमें इसका पहला आंसर सही है, पेरिपेटस को एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के संघ के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो पहला है जलोढ़, लौड़ी मृदा, लाल मृदा और काली मृदा। तो लाल मृदा आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, और काली मृदा आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि काली मृदा कपास के लिए उपजाऊ मानी जाती है, जबकि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो है आपकी जलोढ़ मृदा, जो जलों द्वारा ढोकर ले आई गई है उसी को जलोढ़ कहते हैं। ये सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा, नदियों या झीलों से लाई गई मृदा को ही जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायराइट में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। तो जिसमें पहला आंसर आपका दिया है 10 से 12%, 22 से 24%, और 30 से 32%, 40 से 42%। पायराइट को, जबकि हम जानते हैं पायराइट को, पायराइट का सूत्र होता है Fe2, पायराइट को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। इसमें सल्फर 22 से 24% पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा तत्व पौधों के लिए नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है नहीं है, आपको हर एग्ज़ाम्स में, किसी भी एग्ज़ाम्स में दीजिए तो उसमें ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन देख लिया करिए, क्योंकि नहीं है दे देता है और हम आंसर आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन दे रहा है तांबा, बोरान, सल्फर और लोहा। तांबा कॉपर तो इनिशियल है, बोरान भी इनिशियल है, सल्फर भी आपका तिलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है, आयरन
इज राइट आंसर, पौधों के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है 15%, 18%, 25% और 30%। तो इसका राइट आंसर होगा 25%, 25%। अब आप एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइएगा, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। योजना आयोग का दूसरा नाम है नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1963 में, 1950 में और ऑप्शन दिया है लास्ट 1954 में। इसका सही आंसर है 1950 में नीति योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। योजना आयोग के या नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FCI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1960, 1963 और 1965, 1968। तो जबकि हम जानते हैं FCI की स्थापना हुई थी 1965 में। किसका? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी, कब हुई थी? 1 जुलाई 1935, 1 जुलाई 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये BHU बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पहले तो आपको देखना होगा नाबार्ड का फुल फॉर्म और इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1979, 1981, 1982 और 1983। तो जबकि हम जानते हैं नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये एग्रीकल्चर के ध्येय से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा और ऑप्शन दिया है कानपुर। तो कानपुर में तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च स्थित है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्थित है और ये आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय स्थित है मथुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? सेंट्रल डेयरी फार्म आपका स्थित है अलीगढ़ में, अलीगढ़ में आपका स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट है, पहला ऑप्शन दिया है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो गाय के दूध का लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कहाँ बना हुआ था या कहाँ और सबसे पहले कब हुआ था? भारत में पूछ रहा है, भारत में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो सबसे पहले मैसूर में हुआ था, मैसूर कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? 1939 में,
मैसूर में, मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए, कितना नमक देना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया 20 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 70 से 80 ग्राम, 90 से 100 ग्राम यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर 10 ग्राम लिखा हुआ है। तो जबकि हम जानते हैं गाय को प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम नमक देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खलियों में किसकी प्रचुरता होती है, या हम कह सकते हैं मूंगफली की खली, सरसों की खली, नीम की खली इत्यादि की खलियों में किसकी अधिकता होती है? तो ऑप्शन दे रहा है, खली में आप जानते हैं वसा, खली में वसा पाई नहीं जाती है, प्रोटीन शर्करा भी नहीं पाई जाती है, लवण भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुरता अत्यधिकता किसकी होती है? तो वो है आपका प्रोटीन, खलियों में प्रोटीन की अधिकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त थनैला रोग या मैस्टिस्टिस कहाँ होता है? रक्त में, स्तन का अग्रभाग में, हड्डियों में या जनन इंद्रियों में? तो जैसा कि थनैला रोग या मैस्टिटिस स्तन के अग्रभाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर आगरा, आनंद गुजरात में पड़ता है, सोनपुर बिहार में, कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश की। तो जबकि हम आंसर जानते हैं इसका क्या होता है, सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में गुलाबी रंग का होता है, जो पल्स वाली क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ों में गुलाबी रंग का क्या होता है? जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन होता है, या उसी को कहते हैं हम नत्रजन, चूना होता है, सल्फर होता है, या लेग हीमोग्लोबिन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं उसको लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है, जो कि पिंकिश टाइप में होता है। चलिए आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए हमें कि कैसा लगा सेशन। चलिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, डेली एग्री क्विज के नाम से है जिसको, या ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के नाम से भी है, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में आपको अच्छा क्वेश्चन प्रत्येक दिन मिलेंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और बोल दीजिए ऐड मी इन ए ग्रुप, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए थैंक यू, और सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जय जवान जय किसान।